बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज भी हम 11x11 की कंपोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं और जो हरफ लिखने वाले हैं वो है अल-मुक़द्दिम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 4, यानी यहाँ से हम ऊपर अलिफ़ एक बनाएंगे जो कि हमारा 7th बॉक्स तक आएगा। उसके बाद हमने ये वाला काफ़ी बार हमने जो है ना अलिफ लाम और मीम लिखा हुआ है, तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बार हमने अल-मालिक में लिखा था, हमने बहुत सारे हरूफ के अंदर ये वाला जो शेप है ना ये क्रिएट की हुई है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन लगा देनी है और हमने हरफ कॉफ लिखना है। तो हरफ कॉफ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, ठीक है। और हमने इसको यहाँ से अगला हरफ कॉफ को मुकम्मल करना है, ठीक है। पहले हम इसकी अंदर की आंख बना लें, इसके बाद हमने इसको ये लेकर जाना है। यहाँ पर हम इसके नुकात लगा देंगे और उसके बाद ये हमारा हरफ आगे आ गया। और यहाँ पर हमने क्या करना है, नुकात के बाद तक लेकर जाना है और यहाँ पर हमने हरफ दाल बना देना, ठीक है, जो कि जिसकी लंबाई जो है वो हमारी नुकात जितनी रहेगी, ठीक है। ये मैं एंड तक ले जाती हूँ और इस तरीके से ये हमारा दाल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने मीम बनाना है। तो ये जो हमारे पास एरिया बच रहा है ना इसके ऊपर हमने मीम बनाना है, जो मीम की फुल शक्ल है ना हम वो वाली बना रहे हैं, ठीक है। एक शेप तो ये हो जाती है हमारे पास, लेकिन अक्सर औकात हमें ये वाला मीम वाव की शेप देता है, तो हम इसकी वाव की शेप ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और जो दाल है ना हमारा हम वो इस तरीके से बना देते हैं, तो भी हमारी ये शेप कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आप फिलिंग करते हैं उससे अंदाज़ा हो जाएगा, दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो जिस तरीके से आपको बनाना अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना लें,